सो आज हम चालू करेंगे डे टू. सो वेलकम बैक टू आवर चैनल दैट इज की फ्रेम्स एनिमेशन अकेडमी. मैं हूँ अभिषेक इनामदार. सो आज हम शुरू करेंगे वो जो कल का पार्ट जो हमने बीच में छोड़ा था वो है बेडरूम डिजाइन का. सो आई एम वेरी सुपर एक्साइटेड टू स्टार्ट दिस वीडियो. सो लेट्स गेट स्टार्ट विद दिस लेसन. और काइंड ऑफ मिनिमलिस्टिक डिज़ाइन की तरफ सोच रहा हूँ कि जिसमें ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स नहीं रहेंगे. एक बेड रहेगा, साइड में लैंप और मे बी थोड़े से बुक्स हम ऐड करेंगे. सो ये थोड़ा सा लेंथ में सही कर लेता हूँ. 24 यानी 22 में गैप दिख रहा है यहाँ. ये जो नीचे का जो लाइन मतलब जो फ्लोरिंग है उसको अलाइन होना चाहिए. हल्का सा नीचे ले लेता हूँ. ये क्वार्टर में स्नैप कर लेता हूँ. अभी फ़िलहाल के लिए मैं यहाँ एक कॉपी ले रहा हूँ, बट यहाँ एक्चुअली यहाँ एक साइड टेबल का प्लान मतलब नहीं होना चाहिए क्योंकि यहाँ मुझे एक स्टोरेज देना है बेड के लेफ्ट में. क्योंकि यहाँ अगर स्टोरेज रहेगा मतलब वो जो ऊपर का स्टोरेज और नीचे का स्टोरेज, मैंने बेड इंपोर्ट कर लिया है. ये बेड मेरे लाइब्रेरी से मैंने इंपोर्ट कर लिया है. इसको लेता हूँ पीछे. तो मैं था एक्चुअली स्टोरेज के यहाँ, तो बेसिकली नीचे भी मुझे स्टोरेज चाहिए. वो जो साइड का टेबल जो है ना वो मैं निकाल दूंगा बाद में. मैं वो अभी नहीं रखने वाला हूँ लेफ्ट साइड का. वहाँ नीचे स्टोरेज ही रहना चाहिए क्योंकि वहाँ वो बुक्स, लाइट्स और जो मैनिक्वीज वगैरह जो होते हैं वो रखेंगे तो उससे और अच्छा दिखेगा. जो ऑटो सेव है ना बहुत टाइम लेता है बीच बीच में. इसको नाम दे देता हूँ बेड. बाद में इसको ना प्रॉक्सी कर देंगे वीरे प्रॉक्सी, ताकि वो बहुत हल्का हो जाएगा. क्योंकि इतने सारे पॉलीगॉन्स को लेकर रेंडर करना कोई मतलब नहीं बनता. आप भी समझ लो अगर ये आपका कुछ ऐसे लाइब्रेरीज अगर इतना हेवी है तो उसको तुरंत ही आपको प्रॉक्सी कर देना चाहिए. सो प्रॉक्सी करने के लिए मैं पहला अनग्रुप करता हूँ. अनग्रुप्ड ये भी रेफर अभी निकाल देता हूँ. वी रेफर टर्बो स्मूथ है, रहने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. जैसा है वैसा हम उसको हम कर देंगे अटैच. याद रखना आइसोलेट करके ही अटैच करना कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर अटैच कर रहे हो एडिट पॉली से. सो ऑलवेज मैच मटेरियल आईडीज टू मटेरियल और ये अटैच हो जाएगा. और अटैच करने के बाद ही वी विल प्रोसीड टू मेक अ वीरे प्रॉक्सी. देखो पीसी का कॉन्फ़िगरेशन तुम्हारा कैसा भी हो, अगर तुमने प्रॉक्सी कर दिया तो कम से कम कॉन्फ़िगरेशन में भी हम अच्छा रेंडर कर सकते हैं. सो ऑलवेज कीप इन माइंड मैश कितना भी डेंस हो उसको हैंडल करने को अपना आना चाहिए. अगर सारा चीज़ तुम्हारा आई जस्ट एक्सपोर्ट इट
फिर मैं बाद में एक्सप्लेन कर लेता हूँ। इसको मैं एक्सपोर्ट सिलेक्टेड ही करता हूँ मेरे मेश, और इधर एक्सपोर्ट सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट इन सिंगल फाइल, ताकि ये सारी चीज़ एक सिंगल फाइल बन जाए। ऑटोमेटिकली क्रिएट प्रॉक्सी, ये बाय डिफॉल्ट ऑन क्यों नहीं होता पता नहीं। एंड कीप इन माइंड क्रिएट मटेरियल वो सब जो सब ऑब्जेक्ट है ना वो ऑन करना, ताकि वो मटेरियल को मिसमैच नहीं करता। सो ओके करने के बाद थोड़ा टाइम लगेगा और ये हो गया है प्रॉक्सी। इफ़ यू सी वो ट्रायंगल्स वगैरह बन गए हैं और तुम्हारा बेड बहुत ही हल्का लग रहा है अभी, नेविगेशन बहुत ही अच्छा हुआ है। पर जहाँ आप वो जो प्रॉक्सी वाला मेन फाइल है उसको सेव कर रहे हो ना प्रॉक्सी के बाद, याद रखना वो गलती से भी आप मूव नहीं करना, इधर उधर उसको मूव नहीं करना है, गलती से उसको डिलीट नहीं करना है, पूरे प्रोजेक्ट को वो बिगड़ देगा। सो मैं लेता हूँ रेक्टेंगल, पीछे बनाता हूँ एक फ्रेम और इसको मैं एडजस्ट कर लेता हूँ ताकि एक फ्रेम हम थोड़ा सा ऐड कर सके। फ्रेम ऐड करने के बाद हल्का सा मूड महसूस होगा इस रूम में। सो डिफाइन कर लेंगे उसका जो कलर कॉम्बिनेशन रहेगा उसके साथ में, एक अलग से टूवर्ड्स ब्लैक एंड वाइट एक फ्रेम बनाऊंगा। और सेलेक्ट करके मैं लेता हूँ कॉर्नर, सेलेक्ट करता हूँ आउटलाइन और देता हूँ यहाँ से आउटलाइन इंचेस में। वन इंच माइनस वन इंच, मॉडिफाई स्प्लाइन सेलेक्ट कर लेता हूँ 1 inch। इसको कर दिया है एक्सट्रूड। ये ले लेता हूँ पीछे, पहले जो प्लेन बनाया है ना उसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेंगे। यहाँ पे कर लेता हूँ ग्रुप, और आइसोलेट के बाहर आकर आई जस्ट पुश इट बैक। सो ये जो पीछे का हमने जो बनाया है उसमें प्लेस कर लेता हूँ।
अब हम नीचे का स्टोरेज के लिए हम बढ़ेंगे। लगभग जो बेड का जो मतलब हाइट आएगा उससे थोड़ा सा नीचे, हल्का सा नीचे उसका हाइट रहेगा। इसके ऊपर हम अलग से एक प्लाई का मतलब विनर का कोटिंग देंगे अलग से, जो अलग टेक्सचर में रहेगा विनर। और ये जो विनर लगेगा, विनर में कैसा होता है, एजेस जो शार्प होते हैं ना वो दिखते नहीं हैं, तो इसके लिए हम उसको जो एजेस है वो स्मूथ रखेंगे और उसमें विनर का ही टेक्सचर अच्छा रहेगा। तो इसका जो आगे का जो हिस्सा है उसको हल्का सा मैं आगे कर लेता हूँ, ताकि वो जो आगे का जो विनर बैठेगा ना थोड़ा सा गैप होना चाहिए उसमें, क्योंकि ये जो ड्रावर्स हैं, मतलब नॉट ड्रावर्स, बेसिकली ये जो ओपनेबल जो मैंने ग्रूव्स लगाए हैं ना, तो वो ऊपर के ड्रावर्स वो ओपन होने वाले हैं। सो प्रैक्टिकली वहाँ ऊपर नहीं देंगे ये विनर। सी देखो, वो जो मैंने राइट हैंड साइड में वो निकाल दिया है, अभी खाली वो स्टोरेज ही रहेगा। लेफ्ट हैंड साइड में स्टोरेज और राइट हैंड साइड में एक लैंप। मैंने लिया यहाँ से एक बॉक्स, हाइट कैलकुलेट कर लेते हैं, 1296। सो ये हल्का सा नीचे कर लेता हूँ। काइंड ऑफ 8 फीट। इसको भी थोड़ा सा नीचे ले लेता हूं। अब ये बॉक्स को कर दिया डिलीट। सो कभी मुझे डाउट रहता है ना, तो मैं बॉक्स लेके उसका हाइट चेक कर लेता हूँ। और ठीक है, 10 फीट तो लेना नहीं था, तो 8 फीट, प्रैक्टिकली 8 फीट रखना था, सो इट्स फाइन। ऊपर हम सीलिंग बनाएंगे, कन्वर्ट टू वेरिएबल स्प्लाइन, और सीलिंग एकदम सिंपल बनाएंगे, मतलब अंदर जो क्या बोलते हैं वो, एक फॉल सीलिंग रहेगा, उसके अंदर इनडायरेक्ट लाइट रहेंगे, और बस लाइट्स लेफ्ट हैंड साइड में हम लाइट्स लगा देंगे। तो ये सारे को सिलेक्ट करके मैं कॉर्नर यूज़ करता हूँ। मैं कॉर्नर क्यों इस्तेमाल कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे कहीं भी चैम्फर या तो फिलेट नहीं देना है। अगर आपको वैसे देना हो तो वैसे नहीं करना, तो इस डिज़ाइन के लिए मैं वो शार्प एजेस ही रखूँगा।
हल्का सा लेता हूँ अंदर, मतलब ये जो इनडायरेक्ट लाइट रहेगा ये साइड साइड से आएगा, मतलब काइंड ऑफ डिफ्यूज थोड़ा सा इफ़ेक्ट आएगा। और उसको सरफेस को लेता हूँ अभी ऊपर, ठीक है। अभी फ़िलहाल मैंने उसको टू इंचेस ही दिया है। इसके अंदर और एक सरफेस आएगा और सरफेस के अंदर उसको हम स्केल करेंगे और फिर उसके अंदर हम लाइट फिक्स करेंगे। लेता हूँ एक स्प्लाइन का सर्कल जो बनेगा लाइट। सी अगर मैं एडेप्टिव रखता हूँ तो वो परफेक्टली वो बराबर स्मूथ हो जाता है, अगर नहीं रखता हूँ तो मुझे मैन्युअली उसके स्टेप्स बनाने पड़ते हैं। और व्हाट इज़ मीन बाय स्टेप्स, स्टेप्स जितने हम बढ़ाएंगे उतने वो पॉइंट्स बढ़ाएगा स्प्लाइंस में, तो वो कहीं ना कहीं हमको ज़्यादा स्प्लाइंस के पॉइंट्स नहीं चाहिए वो। सो एडाप्टिव इज़ द बेस्ट ऑप्शन स्प्लाइन में अगर करते हैं तो। सो ऐसे बड़े बड़े जो लाइट्स रहेंगे और उसके अंदर मतलब ऊपर काइंड ऑफ मतलब लाइट इससे ही आएगा, पर जहाँ से आएगा उसको हम क्लॉथ काइंड ऑफ दिखाएंगे और उसके अंदर वो एलईडी डालेंगे। सो देखो कितने इसमें सेगमेंट्स आ गए हैं। सॉरी इसमें दो नहीं काम करेंगे, ये डायरेक्टली मुझे सिलेक्ट करना पड़ेगा एज अ बॉर्डर। सो मैं सारे को सिलेक्ट करके इसको डीसिलेक्ट करता हूँ। मुझे यहाँ से निकालना है शेप, तो यहाँ से मैं लेता हूँ शेप, क्रिएट शेप, और ये आउटर रिंग रहेगा। हल्का सा अंदर इंसेट कर लेंगे ताकि वो बॉर्डर के लिए अच्छा दिखेगा। वैसे भी इसको जब ये सिलेक्ट हुआ है उसको हम एलईडी दिखाने वाले हैं, सो इट विल बी इन वाइट। और हल्का सा उसको अंदर ले लेते हैं, हल्का सा, एकदम हल्का सा। ये अपना रिंग अलग है और इस रिंग को हम सिलेक्ट करके मॉडिफाई में हम देंगे उसको स्वीप। स्वीप एक बहुत ही बढ़िया मॉडिफायर है जो मैं बहुत इस्तेमाल करता हूँ। सो मैं यहाँ से चेंज कर लेता हूँ रिंग को, इसका रेडियस कम कर लेता हूँ, और भी कम लगेगा, और भी कम लगेगा, शायद ये कम लगेगा।
दिख तो वो बहुत थोड़ा बढ़ा रहा है। एकदम हल्का सा वो काइंड ऑफ मेटल का ही रहेगा, बट नॉट एसएस, बट टू अ डार्क डार्क ही रखेंगे। चलो ये इतना ठीक है। सो ये लगा दिया मैंने ऊपर एक, उसकी हम कॉपी निकाल के और दो लगाएंगे, ये हो गया तीन, इसको ही कॉपी कर लो। एक बार ऊपर से भी चेक कर लेते हैं। सो इसका ही मैं एक कॉपी ले लेता हूँ जो लेफ्ट हैंड साइड में सेम थीम होना चाहिए लाइट का, वो ऊपर बड़े हैं बट राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड में उसको छोटे वर्जन्स में वो रहेंगे, बट सेम फैमिली के ही लगेंगे। सो अभी लेता हूँ इंस्टेंस, थोड़ा सा गैप और थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है पीछे वैसा, यारे बाप रे ये तो ठीक है, इतना डेंसर दिखे तो कैमरा में एक बार देख लेंगे। नाउ इट्स फाइन। सो दैट्स इट गाइस, अगर ये मेरा वीडियो आपने पसंद किया हो या एंजॉय किया हो तो लाइक ज़रूर करना, वो एक ही चीज़ है मुझे वो पता चलती है कि यू आर एंजॉय और नॉट। और ये आप मेरा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो नीचे सब्सक्राइब का बटन है वो दबा दो, घंटी का बटन है वो भी दबा दो, और मैं ऐसे ही वीडियोज़ बनाता हूँ इंटरेस्टिंग ऑन 3D Max एंड VRay एंड ऑल, सो वो अपडेट आप तक पहुँच जाएंगे। अगर कुछ ट्यूटोरियल के रिलेटेड कुछ डाउट है या वीडियो से रिलेटेड कुछ डाउट है तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट डालो, या तो मेरा व्हाट्सएप नंबर मैंने शेयर किया है वो व्हाट्सएप नंबर पे आप आपका एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हो मुझसे। सो मैं हर मैसेज पढ़ता हूँ, कुछ भी हुआ तो भी मैं हर एक मैसेज पढ़ता हूँ टाइम निकाल कर। सो ऐसा बिल्कुल भी मत समझना कि आपका मैंने मैसेज रीड ही नहीं किया पर मैंने रिस्पॉन्स नहीं किया, बट यस मैं मैसेज पढ़ता हूँ। सो As always, thanks for watching.